चलो आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे एमआई वर्सेस यूपी के बीच में जो एलिमिनेटर मैच है डब्ल्यूपीएल का। आपको पता है यूपी को यहाँ पर चांस मिला है आगे आने का, और यहाँ पर जो है एलिमिनेटर मैच है, जो भी इसमें से निकल के जाएगा वो खेलेगा दिल्ली कैपिटल्स के साथ, क्योंकि वो सिक्योर हैं फाइनल के लिए। ये गाइस मैच होगा शाम 7 बजे, इसका टॉस हो जाएगा, 7:30 पर मैच शुरू होगा। डीवाई पाटिल जो है नवी मुंबई में, वो है इसका वेन्यू। बात करेंगे गाइस इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों की, उससे पहले आप देख लीजिए ये प्रोबेबल प्लेइंग 11। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो है, ये लास्ट मैच का प्रोबेबल प्लेइंग 11 है। अब इसमें चेंजेस आपको देखने मिलेंगे यूपी की तरफ से। लास्ट मैच जो था उसमें यहाँ पर क्या नाम है, ग्रेस हैरिस जो है वो इंजर्ड थी, माइनर सी इंजरी थी। देखो होपफुली वो फिट हो यार, यूपी को ज़रूरत है, हम भी यूपी को ही जिताने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है ग्रेस हैरिस आपको शबनम स्माइल की जगह खेलते हुए दिख सकती हैं। या तो टीम एक चीज़ और कर सकती है कि यहाँ पे जो शोभा एस यशस्त्री, टीम का नाम मैं सही से ले नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैं ले ही नहीं रहा हूँ कि गलत ना लूँ, कि यशस्त्री जो है इनकी जगह आपको यहाँ पर ग्रेस हैरिस खेलती हुई दिखें टीम में, और टीम हो सकता है शबनम स्माइल को रिटेन करे, क्योंकि इन्होंने भले ही महंगी गई लेकिन 2 विकेट निकाले थे लास्ट मैच में, और शबनम स्माइल जैसे बड़े प्लेयर का होना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि पेसर्स को पिच रिपोर्ट की भी बात करेंगे तो वो मैं आपको तब बता दूंगा। यहाँ से गाइस मुंबई की तरफ से आप देखो, मुझे नहीं लग रहा है मुंबई कोई भी चेंज जो है अपनी साइड में करना चाहेगी, क्योंकि इनके पास प्लेयर्स तो अच्छे थे लेकिन इन्होंने जब अब तक नहीं किया तो अब क्या ही करेंगे। बात करते हैं गाइस यहाँ से इस अभी तक पॉइंट्स टेबल पे कैसा हाल रहा है उसकी। तो यहाँ से गाइस आप देखो, यूपी ने 8 मैचेस खेले हैं जिसमें से 4 मैच जीते हैं, वहीं एमआई की टीम मुंबई इंडियंस की टीम ने 8 मैच खेले हैं जिसमें से 6 मैच जीते हैं। हेड टू हेड की बात करें तो हेड टू हेड में अच्छी बात यह है कि दोनों टीम ने एक एक मैच खेला है, एक मुंबई जीती है एक यूपी जीती है, यानी ये कहने में कोई बड़ी बात नहीं है कि यूपी ऑलरेडी एक बार मुंबई को हरा चुकी है। भले ही जो मुंबई की टीम कितनी भी स्ट्रांग हो लेकिन यूपी ऑलरेडी इसी टूर्नामेंट में एक बार एमआई को हरा चुकी है यूपी की टीम। बात करें गाइस हेड टू हेड स्पेशल और वेन्यू स्पेशल, उससे पहले एक बार पिच की तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ से गाइस हम देखेंगे नवी मुंबई पे अभी तक जो जो मैचेस हुए उनका स्कोरिंग किस तरीके की रही। सबसे पहला जो मैच था वहाँ पर मुंबई ने ही, आप सामने देख सकते हो, 207 का टोटल दिया हुआ था हाईएस्ट स्कोर का। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 169 का टारगेट बना गया। यहाँ पर गाइस जो है चेज़ हो गया, पहला वाला चेज़ नहीं हो पाया, बुरी तरीके कोलैप्स हो गई थी टीम। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो 211 का टारगेट दिया गया नवी मुंबई के वेन्यू के ऊपर, वो भी चेज़ नहीं हुआ। उसके बाद नवी मुंबई पे 105 का टारगेट दिया गया था, वो चेज़ हो गया था, बिकॉज इतना लो टारगेट तो चेज़ हो ही जाएगा। उसके बाद 105 का टारगेट दिया गया, वो भी चेज़ हो गया क्योंकि लो टारगेट था। फिर यहाँ पर 150 का टारगेट दिया गया, वो भी चेज़ हो गया। उसके बाद गाइस यहाँ पर 135 का टारगेट दिया गया, वो भी चेज़ हो गया। फिर यहाँ पर हम देखते हैं 127 का टारगेट दिया, वो भी चेज़ हो गया। यहाँ पर 109 का टारगेट दिया गया, वो भी चेज़ हो गया। यानी यहाँ पर जितने भी 150 तक वाले टारगेट हैं वो सारे चेज़ हो रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द टीम, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर 125 का टारगेट दिया गया, वो भी चेज़ हो गया। यहाँ पर अब देखते हैं किस तरीके का टारगेट दिया जाता है। यहाँ पर गाइस यूपी की टीम है वो भी काफ़ी सॉर्टेड है, आप जानते हो एमआई के मिडिल ऑर्डर से अच्छा यूपी का ऑर्डर है, क्योंकि अगर हम प्लेइंग 11 की तरफ एक बार देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देखो एमआई की तरफ से यास्तिका है, हेली है, नटेलिया सेवर है, कौर है, एमेलिया कर है, यानी इनके 4-5 प्लेयर हैं। उसके बाद बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो इतना परफॉर्मेंस नहीं दिए हैं, क्योंकि हमने देखा है जब जब एमआई कोलैप्स हुई है तो परफॉर्मेंस नहीं आया। इसी मॉन्ग ने एक बार फाइट जरूर की थी, 31 रन दिए थे, अदरवाइज़ एमआई का और भी बुरा हाल होता। वहीं गाइज हम इनके पास देखें तो टीम यहाँ से श्वेता शेरावत को और भी नीचे कर सकती है। यहाँ से गाइज आप देखो सोफिया क्लिस्टन फिनिश कर चुकी हैं 2-3 मैचेस में, यहाँ से अभी तक किसको मौका नहीं मिला है। यहाँ पर देविका वैद्या ओपन करती थी लास्ट मैच, उनको भी नहीं खिलाया गया था। हो सकता है देविका वैद्या भी यहाँ पर वापस आए टीम में श्वेता शेरावत की जगह, क्योंकि देविका वैद्या एक बॉलिंग ऑप्शन भी हो जाता है इनके पास। तो दोनों टीम काफ़ी सॉर्टेड लग रही है, काफ़ी टची बैटल होगा मेरे हिसाब से। तो एलिसा हेली काफ़ी अच्छी कैप्टन है और सामने हरमनप्रीत कौर है जो कि काफ़ी अच्छा कर रही है। यहाँ पे कई सेट टू एट स्पेशल्स देख लेते हैं, सिर्फ स्पेशल की बात करूँगा। ये सेक्शन मैं कहता हूँ हमेशा इस पर फोकस कर लो, ग्राइंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन यहीं से निकलते हैं। कल का जो मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया,
जेम्बा के हेड टू हेड स्पेशल में 4 विकेट थे, मैंने उसको वाइस कैप्टन दिया। कल भी बंदे ने 4 विकेट लिए। कुलदीप यादव को रिकॉर्ड अच्छा था, मैंने उसको कैप्टन दिया, 3 विकेट उसने लिए। तो बढ़िया क्लीन स्वीप की उस मैच में भी हमने। एश्टन आगर होता तो ग्रैंड लीग भी हमारी होती, एश्टन आगर नहीं था क्योंकि शमी वेस्ट गया हमारी टीम में। बात करते हैं हेड टू हेड स्पेशल्स की, तो देखो दो मैच हुए हैं दोनों टीम्स के बीच में, प्लेयर जीरो पे भी आउट हुए हैं, लेकिन वो नहीं बताऊंगा। हेड टू हेड में आपस में खेलते हैं तो स्पेशल परफॉर्मेंस आपको बताऊंगा क्या किया हुआ है। एलिसा एली 58, टी मैक ने 50 किया, 38 किया, दोनों ही मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया। सोफी एंग्लिस्टर ने एक मैच में 1 विकेट निकाला अगेंस्ट मुंबई, दूसरे मैच में 3 विकेट निकाले। राजेश्वरी गायकवाड ने मुंबई के सामने 1 विकेट निकाला और फिर 2 विकेट निकाले। शर्मा जी ने एक मैच में 2 विकेट निकाले अगेंस्ट मुंबई। ग्रेस हैरिस ने 39 किया अगेंस्ट मुंबई। हरमनप्रीत कौर की बात करें तो एक मैच में 53 किया अगेंस्ट यूपी, एक मैच में 25 किया अगेंस्ट यूपी। नटेलिया सिवा ने एक मैच में 45+1 विकेट किया अगेंस्ट यूपी। साइका इशक ने 3 विकेट निकाले हैं यूपी के अगेंस्ट, स्पेशल परफॉर्मेंस। एमिली अकर ने दोनों ही मैच में 2-2 विकेट निकाले हैं, स्पेशल परफॉर्मेंस। हेली मैथ्यूज 35+1 विकेट एक मैच के अंदर, स्पेशल परफॉर्मेंस। बाकी दूसरे मैच में फ्लॉप ही हुई थी। इसी मॉन्ग एक मैच में 32 रन 1 विकेट, यानी ये आप देख सकते हो यूपी की ही टीम थी जिसने एमआई को कोलैप्स किया था, तब इसी वॉन्ग यहाँ पर फाइट कर रही थी, उन्होंने 32 रन बनाए थे। यहाँ से कैसे हम बात करें इस वेन्यू के ऊपर, T20 फॉर्मेट के अंदर प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, चाहे वो IPL हो चाहे वो नेशनल मैच हो, T20 के अंदर 20 ओवर के अंदर क्या किया है। LSID का रिकॉर्ड इतना अच्छा है नहीं नवी मुंबई के ऊपर, लेकिन ये प्लेयर जो है लेजेंडरी है, बड़े मैच की प्लेयर है और यहाँ पर रिकॉर्ड मायने नहीं रखता है। 4 मैच में 40 रन है, अगर रिकॉर्ड की बात करें तो कुछ खास नहीं है। जो श्वेता शेरावत का भी रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, 3 मैच में 12 रन है। किरण नवगिरे ने 4 मैच में 89 रन्स किए हुए हैं। देविका वैद्या का 4 मैच में सिर्फ 1 विकेट है क्योंकि इनको बॉलिंग ही ना के बराबर मिली है, और मिली है तो 1 ओवर मिला है, +28 रन है। दीप्ति शर्मा के इस वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 6 विकेट है, बैटिंग से 58 रन है टोटल। ग्रेस हैरिस के 3 मैच में 1 विकेट है, +144 रन है। ग्रेस हैरिस तो फिर ग्रेस हैरिस ही है, इनका कोई जवाब नहीं। विकेट टेकर नहीं है इतनी, लेकिन बैटिंग से अच्छा करती हैं, मतलब इनका काम ही है यार हिटिंग का। और हकीकत बताऊं तो मैंने ये WPL के अंदर ही इनको इतनी मैच्योर इनिंग्स खेलते हुए देखा है, अदरवाइज़ इनका काम ही है। अब तो इनको टीम ऑस्ट्रेलिया भेजती तब थी कि आप आओ, भले ही आउट हो जाओ, भले ही पहली बॉल पर आउट हो जाओ, लेकिन आपका काम है हिटिंग ही करना, हर बॉल पर शॉट लगाना। और यहाँ पर मैंने ग्रेस हैरिस का एक मैच्योर साइड देखा है WPL के अंदर, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इंप्रेस किया इन्होंने। यहाँ से गाइस टी मैक की बात करें, तालिया मैग्रथ, ये भी गाइस अलग ही ब्रीड है ना, बहुत तगड़ी प्लेयर है। 4 मैच के अंदर 2 विकेट है, +130 रन है इस वेन्यू के ऊपर। सिमरन शेख का 4 मैच में 8 रन है, कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं। सोफिया क्लिस्टन 4 मैच में 7 विकेट है, +50 रन है। शबनम इस्माइल 1 मैच में 1 विकेट है इस वेन्यू के ऊपर। अंजलि सरवानी के 4 मैच में 2 विकेट है, अंजलि सरवानी अंडररेटेड प्लेयर है एक। राजेश्वरी गायकवाड़ के 4 मैच के अंदर 3 विकेट हैं। यहाँ से गाइस मुंबई के प्लेयर्स की बात करें इस वेन्यू के ऊपर, यास्तिका भाटिया का 5 मैच के अंदर 80 रन है, 41 रन इनका हाईएस्ट इस वेन्यू के ऊपर। हेली मैथ्यूज़ का 5 मैच के अंदर 5 विकेट निकाले, 143 रन किए, 47 रन इनका हाईएस्ट है। पूजा वस्त्राकर के 4 मैच में 1 विकेट है क्योंकि बॉलिंग इतनी नहीं कराई है, 3 मैच में 60 रन है बैट से, 26 जो है इनका हाईएस्ट है। हरमनप्रीत कौर 7 मैच में 168 रन है इस वेन्यू के ऊपर, 65 रन इनका हाईएस्ट है। एमएलए अगर 5 मैच के अंदर 7 विकेट है इस वेन्यू के ऊपर, 4 मैच में बैटिंग की हुई है, 87 रन्स बनाए हुए हैं, 45 इनका हाईएस्ट है विद द बैट। नाइट सीवर की बात करें, बॉलिंग से 5 मैच में 5 विकेट है, बैटिंग से 5 मैच के अंदर 64 रन है, 23 हाईएस्ट है। तो नाइट सीवर का भी इस वेन्यू पर अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है, लेकिन ये सब बड़े मैच के प्लेयर हैं भाई, ये ऐसे प्लेयर हैं ना फाइट करते हैं बिल्कुल एंड तक। एलिसा एली हो गई, नाइट सीवर हो गई, धरा गुर्जर 1 मैच के अंदर 3 रन है इस वेन्यू के ऊपर, क्लोटरन कभी खेले नहीं है। अमनजोत कौर 5 मैच में कोई विकेट नहीं है क्योंकि बॉलिंग ही ना के बराबर कराई, बैटिंग से 3 मैच के अंदर 24 रन है यहाँ पर, और 19 हाईएस्ट है, तो मतलब कुछ भी नहीं है आप ये कह सकते हो। हुमायरा काजी 2 मैच के अंदर 6 रन है, 4 इनका हाईएस्ट है, कोई खास रिकॉर्ड नहीं। जेंटी मनी कलीटा जो है, उन्होंने बॉलिंग ना के बराबर ही कराई है इस WPL, तो इतना इनको जज करना ठीक नहीं होगा। 5 मैच के अंदर कोई विकेट नहीं है इस वेन्यू के ऊपर। इसी मॉन्ग 5 मैच के अंदर 7 विकेट है, 4 मैच के अंदर 61 रन है, 32 हाईएस्ट इसी वेन्यू के ऊपर आया था। हैदर ग्राम का 1 मैच के अंदर 3 विकेट है इस वेन्यू पर, लेकिन प्लेयर जो है बेंच पे ही हैं, पूरे WPL निकलने वाला है तो तब नहीं खिलाया, तो अब क्या खिलाएंगे। साइका इशक का 5 मैच के अंदर 8 विकेट है। जनरल पिच रिपोर्ट पे गए जो बॉलर्स की अगर हम बात करें तो आपको बता देता हूँ, इस वेन्यू पे लास्ट 114
विकेट्स जो हुए हैं उसमें से 64 विकेट जो हैं वो स्पिनर्स ने लिए हैं। तो कह सकते हो कि यहाँ पर स्पिनर्स में साइका इशक जो हैं, सोफिया क्रिस्टन जो हैं, ये दो टॉप पे रहेंगी मेरे हिसाब से कल भी। और दूसरी चीज़ आपको बता दूँ, जैसा मैंने बैटिंग ऑर्डर का बताया, तो मुंबई का जो टोटल बैटिंग ऑर्डर है ना, टोटल नहीं, मिडिल ऑर्डर जो है मुंबई का, उससे ज़्यादा रन इस टूर्नामेंट में यूपी के मिडिल ऑर्डर्स ने बनाए हैं। तो यूपी का मिडिल ऑर्डर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वही बात है कि पूरी तरीके से डिसअपॉइंट ना कर दें। हालांकि एक एक दो दो दिन का हर टीम को ब्रेक मिला है, तो मेरे हिसाब से भाई अच्छा खासा कमबैक करो, है ना। मैच एक लास्ट ओवर तक जाना चाहिए मैच, है ना, भले ही कोई भी जीते, रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट मैच इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो होगा ही, क्योंकि यूपी के मैचेस इंटरेस्टिंग ही होते हैं। गुजरात के भी इंटरेस्टिंग हो रहे थे, लेकिन फिर वो उनके बॉलर्स इतना पिट जाते थे कि वहाँ पर पूरा मैच ही उड़ा देते थे। चलो कोई नहीं, यहाँ से गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, बिल्कुल आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। ये है गाइस माई मास्टर 11 का एप्लीकेशन। अगर आप यहाँ नहीं खेल रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अभी IPL भी आने वाला है। ये प्लेटफॉर्म गाइस प्रॉपर ग्रैंड लीग खेलने वालों के लिए है, प्रॉपर ग्रैंड लीग, जिनको 20,000, 30,000, 50,000 या 1,00,000 रुपये ग्रैंड लीग से जीतना है। माई मास्टर 11 बेस्ट जगह आपके लिए। रीज़न क्या है, यहाँ पर गाइस 12 से 15,000 लोग खेलते हैं ग्रैंड लीग के अंदर। प्राइस, फर्स्ट प्राइस 1,00,000 है, और हर रैंक पे प्राइस है। मतलब ऐसा प्राइस नहीं है सिस्टम के जो आपको लगे बाइस्ड है, कि अगर मैं 10 रैंक पे आ रहा हूँ तो कुछ नहीं मिल रहा है। भाई 10 रैंक पे यहाँ आ रहा हूँ तो आपको यहाँ पर 5,000 मिल रहे हैं। यहाँ पर प्राइसिंग देखो कितनी अच्छी है, 7,000 रैंक तक 3100 रुपये आपके रिटर्न आ जाते हैं। यहाँ पर गाइस डेली बंदे 20-20, 30-30 हज़ार, तो आराम से एक, मतलब मैं कहता हूँ एक अच्छी स्मॉल लीग की टीम भी होगी ना, कि यहाँ पर आपको उड़ा ले जाएगी, आराम से ग्रैंड लीग उड़ा ले जाएगी किसी भी दिन। यहाँ पर गाइस आप साइनअप करो, साइनअप करते हो BFTIPS कोड यूज़ करना, आपको 200 रुपीज़ मिलेंगे यहाँ पर। वो 200 रुपीज़ ग्रैंड लीग में यूज़ कर सकते हो किस तरीके से, यहाँ पर देखो 10% आपका यूज़ हो रहा है। तो हर ग्रैंड लीग में, हर मैच में 100% वाले कॉन्टेस्ट भी आते हैं। अभी यहाँ पर तो गिव अवे ही अवेलेबल है 50,000 का, इसलिए कॉन्टेस्ट नहीं है। 200 रुपीज़ आपके बहुत काम में आएंगे, वो जो आपको फ्री के मिलेंगे। यहाँ पर फ्री गिव अवे भी है, गिव अवे का भी प्राइस देखो कितना अच्छा है। मतलब कोई ऐसा बाइस्ड प्राइस नहीं है कि आपको देख के लगे कि यार हम एक आध टीम डाल रहे हैं तो हमारा यहाँ पर कुछ अपना अमाउंट आ नहीं रहा है। ग्रैंड लीग भी देखो कितनी अच्छी है आपके सामने, हर मैच में मिलेगी, हर मैच में 47 की है, 10% बोनस यूज़ हो जाता है। 25 टीम इसमें डाल सकते हो, लेकिन इतनी टीम्स के चक्कर में पड़ो नहीं, 8-10 कॉम्बिनेशन, मतलब जितने भी आप संभाल सको, आफ्टर द टॉस एडिट कर सको, उतने ही कॉम्बिनेशन ग्रैंड लीग में डालो, खूब अच्छा विनिंग करो। भाई आप टेलीग्राम पर जाकर देख लो, हमारे बंदों ने यहाँ पर 11,500 रुपीज़ इस हफ्ते डिपॉजिट किया है, 56,000 कुछ की विनिंग्स है। तो आप सोच सकते हो कि ये 4 गुना से ज़्यादा है विनिंग्स। तो यहाँ पर भाई ग्रैंड लीग खूब विन कर रहे हैं बंदे, मतलब एक अच्छी अमाउंट डेली विन कर रहे हैं ग्रैंड लीग से। अगर आपको भी 20-50 हज़ार विन करने हैं, भाई IPL आ रहा है ड्रीम इलेवन पे, 1 करोड़ बंदा खेलेगा एक लीग में, 50 लाख बंदा खेलेगा, 25 लाख बंदा खेलेगा। और सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ पर फ्लेक्सी टीम चल रही है। तो भाई अब तो आपका ग्रैंड लीग जीतना और भी ज़्यादा तुक्के वाला काम हो गया, है ना। तो भाई आपके ऊपर डिसाइड करो, 50 लगा के 3-4 घंटे मैच चलेगा, ख़त्म होने के बाद 50 ही चाहिए, या आपको भाई 20-25 हज़ार, 5,000, 10,000, 1,00,000, 70,000 ऐसे अमाउंट चाहिए। डाउनलोड करना है, कमेंट सेक्शन में जाओ, लिंक मिल जाएगी, साइनअप कर दो, हमारा कोड जरूर यूज़ कर लेना, मेरी फ्रेंड लिस्ट में आओगे, वीकली विनर्स में आपका नाम भी यहाँ पर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। यहाँ से गाइस एक सेकेंड मैं आपको कुछ पिक्स बता देता हूँ, सेफ टीम आपके लिए मैं बना ही देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है ना, आफ्टर द टॉस मैं अपने हिसाब से करता हूँ काम, इसलिए एक सेफ टीम आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर मुझे अपनी टीम रिस्की लगी तो मैं आपको बोल दूँगा कि वीडियो टीम से चले जाओ। यहाँ से एलिसा हेली, यस्तिका भाटिया, बेटर ऑप्शन कौन होगा, एलिसा हेली दुनिया ही लेके आई, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑलराउंडर्स भी तो ज़्यादा चाहिए ना। और अगर आप मुझसे पूछोगे तो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, दोनों ही। रीज़न क्या है, भले ही दोनों बैटिंग से इतना अच्छा ना करें, लेकिन दोनों की विकेट कीपिंग एबिलिटी जो है बहुत अच्छी है। मैं ऋचा घोष भी सामने होती है तो यस्तिका भाटिया को ले लेता हूँ, क्योंकि रीज़न यही है, इंडिया टीम में यस्तिका भाटिया बहुत कमाल की विकेट कीपर है। तो यहाँ से अभी के लिए दो को नहीं ले सकते, एलिसा हेली को लेते हैं, बैटिंग में टीम है कि इम्पॉर्टेंट। यहाँ से गाइज और कोई इम्पॉर्टेंट तो है नहीं हरमनप्रीत कौर के अलावा, लेकिन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से गाइज किरण नागरे को ले सकते हैं, क्योंकि हेड टू हेड में अच्छा किया है और यार सही प्लेयर है, मतलब रेलवेज़ के लिए खेलती हैं, अच्छा करती हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं फिर यहाँ पर। यहाँ से हेली मैथ्यूज़, नाइट सीवर, एमएलएकर, दीप्ति शर्मा, ग्रेस हैरिस खेलती हैं, तो ग्रेस हैरिस को टीम में अवश्य लेंगे हम। किसकी जगह पर लेंगे,
ये यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ग्रेस हैरिस को दीप्ति शर्मा की जगह भी ले सकते हैं। स्मॉल लीग में आपको लगता है अगर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा तो आप शर्मा जी के साथ जा सकते हो, अदरवाइज क्योंकि देखो यार हर प्लेयर थोड़ी ना इम्पैक्ट रखेगा अपना मैच में, हर प्लेयर थोड़ी ना रखेगा, किसी ना किसी का तो दिन ऑफ जाएगा ही। और रिकॉर्ड भी अगर आप देखो तो रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग भी आप प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हो। सो फिर क्लिस्टन इंपॉर्टेंट यहाँ से 10 सेकेंड्स कहाँ कहीं साइका इशक इम्पोर्टेंट यहाँ से, इसी वॉन्ग अच्छा कर रही है और बैटिंग सपोर्ट भी आपको दे सकती हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ से इसी वॉन्ग अच्छी ऑप्शन रहेंगी। ये गाइस कुछ इस तरीके की एक सेफ टीम हो सकती है। यहाँ पर गाइस हो सकता है कल मैच के टाइम अगर आप इस पर खेल रहे हैं तो ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल लीग अगर यहाँ पर खेल रहे हैं तो हो सकता है कल के मैच में आपको यहाँ पर ग्रेस हैरिस बैटिंग सेक्शन में आती हुई देखें, क्योंकि ऑलराउंडर में इनका कोई मतलब होगा नहीं इतना ज़्यादा। अगर नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रैंड लीग खेलनी है आपको, ये गाइस एक तरीके की मेरी तो सेफ टीम लग रही है मुझे, तो इसके साथ जा सकते हो। जैसा भी गाइस फाइनल होगा, क्या है मैं हर बार अपनी टीम देता हूँ तो उस वक्त आपको कुछ प्लेयर्स बता देता हूँ जो मुझे लगते हैं एट दैट टाइम, प्लेयर्स का माइंडसेट देख के किस उससे पिच पे आ रहे हैं है ना, कैप्टन्स क्या बोल रहे हैं, ये सब देख के मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उस वक्त मैं आपको कुछ प्लेयर्स बता दूंगा जिनको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करो, किस कॉम्बिनेशन से ट्राई करो वो भी अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। तो इस वीडियो के नीचे आपको दो लिंक्स मिलेंगी, एक माई मास्टर 11 की, उसी कमेंट में आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक, तो ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।